श्री सनातन धर्म रामा मंदिर जालंधर छावनी की ओर से 24 फरवरी से 3 मार्च तक मंदिर प्रांगण में श्री मद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्री सनातन धर्म रामा मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस दौरान महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर इलाके की परिक्रमा की। इस अवसर पर चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान, पंडित राजेंद्र राजू, प्रभु दयाल, लक्ष्य शर्मा, अनु शर्मा, गीतांजलि, आशा, सीमा, सरोज रानी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। सनातन धर्म मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन शुभारंभ होने जा रहा है, जो कल दोपहर को 2:30 बजे से प्रारंभ होकर के 6 बजे तक चलेगी। इसमें आपको मैं श्रीधाम वृंदावन से, ब्रजधाम आश्रम सेवा ट्रस्ट से श्री कृष्ण संदेश जी महाराज आपको निरंतर 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा का रसपान कराने के लिए ठाकुर जी की सेवा से अवसर मिला है, जो आपके यहाँ पर उपस्थित हैं। आप कल सभी इष्ट मित्रों सहित अपने सभी को साथ में लेकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए अवश्य पधारें दिन में 2:30 बजे। राधे राधे, जय श्री राधे। जो कि हर साल की तरह इस साल भी भागवत कथा श्री सनातन धर्म रामा मंदिर के अंदर कराई जा रही है। उसके विच साढ़े अचेचे तौर पर मथुरा वृंदावन तो गुरु जी आए हैं, जिन्होंने कि अज जो कि इतने कलश यात्रा के भाग लिया वा, तो कल तो जो भागवत कथा वो शुरू करेंगे। मैं अपने वालों, रामा मंदिर वालों चेयरमैन होने के नाते ये बेनती करता कि सारे आके इतने कथा का आनंद लैन। भागवत कथा श्री सनातन धर्म रामा मंदिर में भागवत कथा कराई जाती है हर साल, जो कि आज की कृष्ण संदेश जी मथुरा वृंदावन से आए हैं, जिन्होंने बाजार में पूरी कलश यात्रा की, पूरी सोनी ने इनको सराहा है और बहुत अपना आशीर्वाद लिया इनसे मत्था टेक टेक के फूलों की वर्षा की, परमात्मा के से मौसम भी ठीक रहा है। हर अभी बताकर आरती हुई है, आरती के बाद अभी लंगर चल रहा है। कल की कथा, कल से कथा शुरुआत हो रही है, शुभ राम 2:30 से 6:30 बजे तक कथा चलेगी। सभी ने भाई बहन बच्चों बंधुओं ने मंदिर में पहुंचकर कथा का आनंद लेना है।